फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ, आपका फ्रेंड पीसी साहू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक के ऊपर, नॉइज़ लेवल कैलकुलेशन। नॉइज़ लेवल कैलकुलेशन का मतलब यह है कि कोई दो एरिया का नॉइज़ हमको मालूम है, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितना होगा। ऐसे देखने से लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, उसमें क्या है। एडिशन तो सब जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग तो पढ़े हैं कि दो फिगर को कैसे ऐड किया जाता है, तो इसमें इतना इंटरेस्टिंग वाला क्या चीज़ है। लेकिन जब इसका क्वेश्चंस किसी एग्जाम में आता है तो फिर जाके समझ में आता है कि नहीं, हम जो सोचते हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है। एक एग्जाम्पल के तरफ से हम बात करेंगे कि 35 dB प्लस 35 dB इक्वल्स टू हाउ मच। 35 dB से अगर 35 को हम लोग ऐड करने की कोशिश करें तो कितना होगा। ऑप्शन 70 dB, 85 dB, 45 dB, 38 dB, 35 dB। सबको लगेगा कि 35 प्लस 35 ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो 70 होगा, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। उसका आंसर 70 dB होगा, 70। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये जनरल मैथमेटिक्स के तरह नहीं होता, वो कुछ लगारिदम स्केल में रहता है। ये जो डेसिबल, जो कि साउंड का यूनिट्स होता है डेसिबल, वो लगारिदम स्केल में रहता है। इसीलिए इसका आंसर 35 dB प्लस 35 dB का आंसर कभी भी 70 dB नहीं होता है। तो कैसे होगा, क्या होगा उसका आंसर, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं उसके बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इसके बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को है, थोड़ा बहुत क्यों, जो भी मैं जहाँ से भी सीखा हूँ उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि कभी भी दो चीज़ को जब आप ऐड करते हैं, दो डेसिबल को, सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि सबसे जो बड़ा चीज़ है दो डेसिबल के बीच में, जो बड़ा चीज़ से छोटा को माइनस करके, यानी कि डिफरेंस हमको कैलकुलेट या फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब डिफरेंस हमको मिल जाता है, मान लीजिए 25 और 23 के दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 25 माइनस 23 यानी कि 2, वो डिफरेंस अगर 0 से 1 के अंदर रहता है तो जो हाईएस्ट डीबी रहता है उसमें 3 ऐड करना पड़ता है। अगर उसका वो डिफरेंस अगर 2 to 3 के बीच में रहता है तो उसमें हम लोग जो हाईएस्ट नॉइज़ लेवल होता है उसमें 2 dB ऐड करना पड़ता है। और अगर डिफरेंस 4 to 9 के बीच में रहता है तो हाईएस्ट नॉइज़ लेवल से हमको 1 dB ऐड करना पड़ता है। और आखिरी में अगर वो डिफरेंस 10 या उसमें ज़्यादा होता है तो जो हाईएस्ट नॉइज़ लेवल होता है तो दोनों का सम मिला के, कुल मिला के वही होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। मेरे को पता है कि मैं जितना भी चीज़ बोल गया शायद आपका ऊपर चला गया, और थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ, इसीलिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा हूँ। पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि 35 dB प्लस 35 dB इक्वल्स टू हाउ मच। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ मैं प्रोसीजर में बताया था कि जो दोनों डीबी को ऐड करना रहता है वो दोनों डीबी के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें जो दिया गया है कि 35 dB और 35 dB, ये दोनों का हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो मैं बताया था प्रोसीजर कि दोनों का डिफरेंस क्या होने से क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग फिर काम करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, मैं भी पहले भी ये स्लाइड दिखाया था, जो पहले वीडियो का पहले, 70 dB, 85 dB, 45 dB, 38 dB, 35 dB। तो ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन देखने से ऐसे लगता है कि जब तक तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है कि नहीं ये तो 70 dB होगा, लेकिन नहीं, ये 35 dB और 35 dB का बीच में जो डिफरेंस है, 35 माइनस 35 इक्वल टू 0, यानी कि दो जो जो 2 dB हमको मिला है दोनों को ऐड करना है, वो दोनों के बीच में हमको पता चल गया है कि डिफरेंस 0 है, क्योंकि 35 माइनस 35 इक्वल टू 0 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 0 रहता है, जैसे कि इस केस में है, तो हाईएस्ट जो नॉइज लेवल होगा उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा दोनों का सम निकालने के लिए। जो कि पहला सेंटेंस देखिए, वीडियो का जो वीडियो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, जो पहला सेंटेंस है यही चीज़ लिखा है कि डिफरेंस अगर 0 और 1 के बीच में रहता है तो हाईएस्ट डीबी से हाई डीबी में 3 ऐड करना पड़ता है। तो इसमें जो हाईएस्ट डीबी 35 है उसमें 3 ऐड करने से 38 होगा। तो इसका जो सही आंसर इस सवाल का होगा ऑप्शन डी में क्लियरली मेंशन है, 38 dB। ये कैसे हुआ मैं आपको क्लियरली बताया, इसीलिए 35 dB प्लस 35 dB 70 करने से रॉन्ग हो जाएगा, उसका सही आंसर होगा 38 dB। ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
हम अभी क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देंगे ताकि और थोड़ा क्लियर में समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 46 dB प्लस 49 dB इक्वल्स टू हाउ मच। ऑप्शन है 49 dB, 52 dB, 51 dB, 48 dB, 46 dB। तो ये जो 46 एंड 49 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 49 माइनस 46 इक्वल टू 3। ये हमको डिफरेंस आ गया, 49 से 46 माइनस कर दिए तो डिफरेंस आ गया 3। तो सेकेंड लाइन में जो दिया गया है कि अगर डिफरेंस 2 to 3 के बीच में रहता है, जो हाईएस्ट नॉइज़ लेवल होता है उसमें हमको 2 वाट करना पड़ता है। तो ये दोनों में से जो हाईएस्ट नॉइज़ लेवल कौन सा है, 49, यानी कि हमको 49 में 2 वाट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट डीबी से दो अगर दो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आ गया 51। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है, 51 dB, यानी कि 46 dB प्लस 49 dB इक्वल टू 51 dB। और क्या कैसे हुआ मैं ये भी आपको समझाया, ठीक है। ये तो ठीक है, ये थोड़ा सिंपल सिंपल था इसलिए समझ में आ गया। और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हम अभी 3 dB ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ द सम ऑफ 38 dB, 41 dB एंड 48 dB। 41, 38 और 48 dB को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा। ऑप्शन है 49 dB, 48 dB, 51 dB, 48 dB और 46 dB। इसमें हमको क्या करना रहता है, किसी भी दो को पहले चूज करेंगे, मान लीजिए 38 और 41 dB, पहले ये दोनों को ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट 48 को ऐड करेंगे। तो ये दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 41। 41 माइनस 38 यानी कि 3। तो डिफरेंस आ गया 3। 3 होने से हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, जो मैं प्रोसीजर बताया था उसमें जो था, जो कंडीशन दिया था, अगर 2 और 3 के बीच में रहेगा तो हाईएस्ट जो डीबी होगा उसमें हमको 2 वाट करना पड़ेगा। तो ये जो 38 और 41 का हम बात कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट है कितना, 41 dB। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 41 में 2 dB ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा सम आ गया 43 dB, यानी कि हम अभी 2 dB को ऐड किया है, फिर तीसरा dB अभी बाकी है। तो अभी जो बाकी है 48 dB, अभी डिफरेंस बिटवीन 48 dB एंड 43 dB इक्वल टू 5, क्योंकि 48 माइनस 43 इक्वल टू 5। डिफरेंस समझ में आ गया कैसे हुआ, 48 माइनस 43 इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारा जो कंडीशन था, थर्ड वाला कंडीशन देखिए, 4 to 9 के बीच में अगर डिफरेंस रहता है तो हाईएस्ट डीबी में 1 ऐड करेंगे। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 48। 48 प्लस 1 इक्वल टू 49 dB। हमको आंसर पता चल गया जो कि ऑप्शन ए में है, 49 dB। तो इसी तरह आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे, किसी कितना भी नंबर दीजिए, 2 2 3 3 4 4 कितना भी वो दीजिए, देने मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रोसीजर एक ही है। ये जो मैं फार्मूला दिया इसको थोड़ा याद कीजिएगा, इसके हिसाब से अगर करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि ये जनरल मैथमेटिक्स नहीं है। तो देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।